नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही संवेदनशील, बहुत गंभीर मामले को लेके सामने आया हूँ। पिछले दिनों हमारे दो सांसदों ने केंद्र सरकार की दिल्ली पुलिस के आयुक्त को दो गंभीर मामले या दो गंभीर चिट्ठियां लिखी हैं। ये आदरणीय सांसद संजय सिंह जी का पत्र है और ये दूसरा पत्र हमारे आदरणीय सांसद राघव चड्ढा जी का है, जो कि पुलिस कमिश्नर साहब को लिखा गया। और ये पत्र ये कहता है, श्रीमान, इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान एक बेहद गंभीर विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। दिल्ली की जनता ने बड़े विश्वास और प्रेम के साथ अपने बेटे अरविंद केजरीवाल जी को 3 बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया है। दुख की बात है कि एक लोकप्रिय जननेता की सुरक्षा के साथ समय समय पर चूक होती आई है और कई बार अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमले हुए हैं। राज्य की पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि अपनी जनता की सुरक्षा करे। दुख की बात यह है कि जनता तो छोड़िए, दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री को भी सुरक्षित नहीं रख पा रही है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी के आवास के बाहर एक ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई दिया। संदेह की बात है कि आज तक इस मामले में किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पिछले 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के कुछ पुलिस अफसर सीएम आवास के बाहर 24 घंटे घूमते दिखते हैं। उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हम एक स्पेशल टास्क पर हैं। ऐसा कौन सा टास्क दिल्ली पुलिस ने इन्हें दिया है? क्या इन अफसरों के जरिए सीएम अरविंद केजरीवाल के ऊपर जासूसी कराई जा रही है? हर राज्य की पुलिस अपने मुख्यमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम करती है, दिल्ली पुलिस क्यों अपने मुख्यमंत्री की सुरक्षा ना करके जासूसी करा रही है? क्या ये पूरी तरह से गैरकानूनी नहीं है? किस मकसद से श्री अरविंद केजरीवाल जी की जासूसी कराई जा रही है? दिल्ली में लॉ ऑर्डर के हालात बहुत खराब हैं। हर दिन दिल्ली में गंभीर अपराध हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस का काम है इन अपराधों को रोके, ना कि एक पार्टी के दबाव में आकर एक मुख्यमंत्री की जासूसी में समय व्यर्थ करे। दिल्ली की जनता बड़ी उम्मीद से आपकी ओर देख रही है। हमें पूरी उम्मीद है कि आप खाकी वर्दी की और दिल्ली की जनता का सम्मान करेंगे। आपसे पूछे गए सवालों का जवाब का इंतजार रहेगा। लिखा गया है श्री संजय अरोड़ा, कमिश्नर दिल्ली पुलिस को। ठीक ऐसा ही पत्र इसी विषय पे संजय सिंह जी, जो हमारे सांसद हैं, उन्होंने लिखा है। दोस्तों, मामला बहुत गंभीर है। दिल्ली पुलिस का स्पेशल स्टाफ किन कामों के लिए इस्तेमाल होता है? अन्य राज्य पुलिसों का स्पेशल स्टाफ किन कामों के इस्तेमाल के लिए आरोप लगते रहते हैं, ये सब जानते हैं। कई राज्यों के अंदर ये खबर भी आती है कि स्पेशल स्टाफ ऐसे कई अनाधिकारिक या अनाधिकृत काम करता है जो राजनीतिक आकाओं को जरूरत पड़ती है और वो बहुत दूर तक उन कामों को करने के लिए निकल जाते हैं। सादी वर्दी में होते हैं, कई सारे स्किल सेट लेके घूमते हैं, बड़े बड़े गैंग से अक्सर कांटेक्ट में रहते हैं, क्योंकि उनका काम होता है उनसे इंटेलिजेंस लेना, उनको इंटेलिजेंस देना, ये सब काम होता है। कई राज्यों की स्पेशल स्टाफ के बारे में कहा जाता है। हमारा एतराज स्पेशल स्टाफ के अफसरों से नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं। हमारा एतराज केंद्र सरकार से है कि केंद्र सरकार उनसे क्या काम करा रही है। एक चुने हुए मुख्यमंत्री के घर के बाहर स्पेशल स्टाफ के जो अफसर हैं,
वो 2400 घंटे सादी वर्दी में घूम रहे हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है इस पर नजर रख रहे हैं, लोगों का पीछा किया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है आप कौन हैं, कहाँ आए हैं, किस काम से आए हैं इत्यादि। दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर जासूसी केंद्र सरकार क्यों करा रही है, ये सवाल उठता है। और ये गंभीर इसलिए हो जाता है कि हमारे केंद्र सरकार के साथ जो मतभेद हैं वो जग जाहिर हैं। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक तौर पे खत्म करना चाहते हैं, वे आम आदमी पार्टी को निपटाना चाहते हैं। ऐसे में स्पेशल स्टाफ के अफसरों का दिन रात जासूसी करना गंभीर सवाल पैदा कर रहा है। इन सवालों का जवाब हमारे दो सांसदों ने पूछा, मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री के ऊपर क्या स्पेशल टास्क है जो केंद्र सरकार ने इन सादी वर्दी वाले स्पेशल स्टाफ को दिया हुआ है। इस सवाल का जवाब अभी तक तो नहीं आया। मैं आशा करता हूं कि केंद्र सरकार और दिल्ली के पुलिस के कमिश्नर इसका जवाब देंगे। दो जवाब हैं इसके। पहला, आप जिसकी सुरक्षा का इंतजाम कर रहे हैं उसे तो बताएंगे कि आपकी सुरक्षा के लिए हमने ये इंतजाम किए हैं, उससे तो नहीं छिपाएंगे, उसको आप बताएंगे। बाकायदा एक वरिष्ठ पुलिस अफसर की ड्यूटी है मुख्यमंत्री की रक्षा करना, उनकी सुरक्षा करना। वो अफसर मुख्यमंत्री जी को ब्रीफ करेगा, बताएगा कि आपकी सुरक्षा के लिए ये इंतजाम हम करना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं। नंबर दो, जितनी सुरक्षा मुख्यमंत्री को चाहिए उससे कई ज्यादा सुरक्षा प्रधानमंत्री जी को चाहिए। तो क्या प्रधानमंत्री निवास के बाहर भी स्पेशल स्टाफ के अफसर 24 घंटे निगरानी रख रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं, आने जाने वालों का ब्यौरा रख रहे हैं, कौन क्यों आ रहा है कहाँ जा रहा है इसकी जो जासूसी की जा रही है, अगर की जा रही है तो मैं मान सकता हूँ कि जो है इनकी भी सुरक्षा के लिए, मगर मैं ये समझता हूँ किसी स्पेशल स्टाफ अधिकारी की इतनी हैसियत नहीं है कि प्रधानमंत्री आवास के अंदर घुसने वाले या निकलने वाले किसी आदमी से वो नज़र भी मिला ले, वहाँ फटक नहीं सकता कोई स्पेशल स्टाफ का आदमी। सर यही मैं पूछना चाह रहा था, जैसा आपने कहा कोई एक आध केस स्टडी ऐसा जिससे पूछा हो क्यों आए हो, क्या मकसद था आने का, या कुछ ऐसा कुछ है जिससे हमारे दो सांसद बाकायदा अपने लेटर हेड पे लिख के दे रहे हैं पुलिस आयुक्त को कि ऐसा हो रहा है, तभी लिख के दे रहे हैं क्योंकि उनके पास ऐसी जानकारी है, लिखित में दिया है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे आके ऐसी आरोप लगा रहा हूँ, ये गंभीर मामला है। एक चुने हुए मुख्यमंत्री की, तीन बार के मुख्यमंत्री की जासूसी एक केंद्र सरकार क्यों करा रही है, और जब जानते हुए कि केंद्र सरकार सीधे तौर पे इस मुख्यमंत्री को पूरी तरीके से खत्म करना चाहती है, उनकी राजनीति समाप्त करना चाहती है, आम आदमी पार्टी को उनको उसको देखना भी नहीं पसंद कि आम आदमी पार्टी का कहीं पे दिख भी जाए, तो ऐसे में ये गंभीर सवाल है। और हमारी मुख्यमंत्री जी की, हमारी पार्टी तो मुख्यमंत्री जी से शुरू होती है उन पे खत्म होती है, हमारे लिए तो बहुत जरूरी है, हमारे नेशनल कन्वीनर हैं, दिल्ली के बेटे हैं, दिल्ली वालों ने 3 बार चुनके उनको मुख्यमंत्री बनाया, कुछ तो होगा उनके अंदर। आज उनके ऊपर जासूसी हो रही है तो बहुत बड़ी बड़ी बात है। सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, दिल्ली पुलिस ने सेंट्रल न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट डीसीपी ने एक ट्वीट किया है तकरीबन 1:30 बजे, उन्होंने कहा कि कल रात वाला जो इंसिडेंट था जहां आप और हम भी मौजूद थे,
कोई पुलिस वाला शराब नहीं पिया हुआ था, मेडिकल एग्जामिनेशन में ये आया है कि नोबडी वॉज ड्रंक। और साथ ही उन्होंने एक बात और भी कही है कि 5 पुलिस वाले जो हैं उनको इंजरी हुई है जो रात को जो स्कफल हुआ, और वुमेन पुलिस ऑफिसर जो है वो सफिशेंट थी। ये 3 बात उनकी ट्वीट में कही गई है, हालांकि आप और हम भी वहां मौजूद। देखिए इस ट्वीट के अंदर 3 बातें कही गई है और 3 झूठ कहे गए हैं। पहला झूठ, पुलिस के ऊपर आरोप है कि उनके एक सिपाही ने हमारी महिला रेसलर्स के साथ बदतमीजी की, बदसलूकी की, जो कि वो नहीं कर सकता था। आरोप पुलिस पर है, जांच भी पुलिस ही करेगी। ये कौन सा कानून है? जांच कौन करेगा? महिला आयोग करेगा। जिनके पास कंप्लेंट पहुंची और महिला आयोग की अध्यक्षा वहां पे स्वाति मालेवाल पहुंची, वो एक वुमेन कमीशन के तौर पे काउंसलर लेके पहुंची कि मुझे ये कंप्लेंट मिली है, मैं यहां आई हूं। पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने वुमेन कमीशन की अध्यक्षा को ही उठा के फेंक दिया। सबने देखा वीडियो के अंदर। तो पुलिस ने तो जांच ही नहीं होने दी। पुलिस के ऊपर तो आरोप है। मैं डीसीपी साहब को बता रहा हूं कि थोड़ी किताबें पढ़ ले, कानून की बेसिक लॉ है। आप इंटरेस्टेड पार्टी हैं, आपके ऊपर तो आरोप है। आप कौन होते हैं ये बताने वाले कि वो था नहीं था? और पहलवानों का तो आरोप ही ये था कि इस आदमी को, इस सिपाही को हमने यहां बिठा रखा क्योंकि इसने शराब पी रखी है और इसका मेडिकल यहीं कराएंगे। और पुलिस अगर इस आदमी को ले गई, 2 मिनट का काम होता है, ऐसे ऐसे उंगली डाल के उल्टी कर रहा था वो आदमी। हमारे लोगों ने देखा कि उसको उल्टी कराई पुलिस वालों ने। ठीक है, पानी पियो 3 गिलास, हलक तक डालो 2 उंगलियां और जो है वो पलट दो, उसमें क्या है? और फिर उसको 3-4 घंटे बिठा के रखो, सैंपल लिखो, सैंपल साफ। पुलिस को ये बताना चाहता हूं कि पुलिस 3 कदम चलती है, वकील 6 कदम सोचते हैं। पुलिस ये ना समझे कि सब बेवकूफ है। पुलिस अपनी चोरी बचा रही थी। रात को इतनी बारिश हुई थी, जंतर मंतर पर कीचड़ थी। किसकी बहन बेटियां कीचड़ में सो सकती हैं? पुलिस वाला डीसीपी बता दे, उसकी बहन सो सकती है? तो उससे पूछना चाहता हूं मैं। उन्होंने उनको फोल्डिंग बेड तक नहीं ले जाने दिए, शर्म आनी चाहिए उन्हें। हमारे एक एमएलए वहां पर मौजूद थे, उन्होंने पूरा वीडियो लाइव किया है, सबके सामने था। पुलिस वाले को बचाने के लिए वहां पे डीसीपी क्या, एसीपी क्या, मैंने तो सुना स्पेशल सीपी भी वहां पहुंचे थे। और फिर उसको चुपचाप जो है इधर कर दिया। कैसे कर दिया आपने चुपचाप इधर? महिला आयोग वहां था, आप उसको जांच करने देते, आपने उसको जांच नहीं करने दी। उस आदमी का जो, जिसका नाम है दुष्यंत, दुष्यंत फोगाट, उसका सर फटा हुआ था, सामने था, उसका एमएलसी नहीं कराया पुलिस ने। उसका सर कैसे फट गया? ये जो नौटंकी है पुलिस की। अगर पुलिस के ऊपर हमला हुआ, इतने सारे कैमरामैन थे वहां पे, इतने सारे लोग थे, किसी वीडियो में नहीं दिखा कि पुलिस के ऊपर हमला हुआ, अपने आप ही हो गया। वो तो बड़ा आसान है, कोने में जाओ, यहां खरोच मार लो। ये जो तिहाड़ के अंदर जो 2-2 कौड़ी के जो छुटभैये बदमाश होते हैं ना, वो भी ये बात जानते हैं कि यहां पे थोड़ा ब्लेड मार लो, यहां मार लो, यहां पे सर पे दीवार पे सर मार लो और कहो जी हमारे भी चोट मार दी। ये तो बहुत बहुत ही घटिया बात है कि दिल्ली पुलिस आज यहां तक गिर गई है कि उन्होंने अपने लोगों को चोट मार के कह दीजिए हमारे यहां भी। कहां लगी भाई चोट? कोई वीडियो में तो होगा, किसी को तो कहीं तो दिखेगा कि उनको चोट लग गई। सिर्फ और सिर्फ झूठ। और ये दिल्ली पुलिस का झूठ नहीं है, ये केंद्र सरकार का झूठ है। केंद्र सरकार एक्सपोज हो रही है। ये जो गंदगी जो केंद्र सरकार मचा रही है, एक्सपोज हो रही है। आपने उन पहलवानों को चारों तरफ से बैरिकेडिंग करके बंद कर दिया। मैं रात को वहां पे 1:30 बजे पहुंचा, आपके सभी चैनल्स के पत्रकार वहां पे मौजूद थे। उन्होंने उन बैरिकेड्स को हमें पार नहीं करने दिया, पहलवानों से मिलने नहीं दिया। उन्होंने जबरदस्ती हमको उठा उठा के फेंका, हमारे लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया। सब कुछ तो है वीडियो के अंदर। किसने ऑर्डर दिया रात को लाठीचार्ज करने का? बताएंगे डीसीपी साहब। लाठीचार्ज एक सिपाही की तो हिम्मत नहीं है कि वो लाठीचार्ज कर दे। रात को 1:30 बजे लाठीचार्ज किया गया। किसके ऑर्डर पे किया गया? क्यों किया गया? क्या हो रहा था वहां पे? इन सवालों का जवाब तो पुलिस को देना पड़ेगा। अरे जो लड़कियां मेडल जीती हैं,
वो आंसुओं से रो रही है। शर्म आनी चाहिए केंद्र सरकार को कि आप डीसीपी को आगे करके जो है झूठ बुलवा रहे हैं।